नमस्कार दोस्तों वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन चलिए अब हम जो है एक्सेल में इलेक्ट्रिसिटी बिल की जो सीट है उसको क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल सीट मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है जो बिल होता है आपने देखा होगा आपके घर में भी इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होगा और बिल आता होगा तो बिल में आपको मुख्य रूप से देखने को मिलता है एक लास्ट डेट होती है लास्ट डेट मतलब जब तक आपको जो है बिल को पे करना है दूसरी चीज़ उसमें यूनिट आती होगी ठीक है और यूनिट के अकॉर्डिंग उसमें कैलकुलेशन होता होगा कि कितना अमाउंट आपका हुआ है तो यूनिट के अकॉर्डिंग मतलब एक यूनिट का कितना चार्ज है वो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर कैलकुलेसन हुआ होगा नेक्स्ट आपने देखा होगा उसमें टैक्स भी होता है टैक्स आप देख सकते हैं कर जिसे बोलते हैं हिंदी में टैक्स होता होगा यदि आपने लेट जो फी मतलब लास्ट डेट है उसके बाद अगर पे कर रहा है तो उसके लिए भी पेनल्टी होती होगी पेनल्टी मतलब लेट फीस ठीक तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली होगी और कंप्लीट टोटल मिला के आपको बिल की जो पेमेंट है वो आपको टोटल में दिखती होगी तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिलती है इलेक्ट्रिसिटी बिल में तो उसी का कैलकुलेशन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट या फिर जो है हमको कैसे करना है वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं तो चलिए सबसे पहले मैं जो है एक लाइन को छोड़ देता हूँ ऊपर की यानी कि एक रो को हम छोड़ देते हैं पहली चीज़ तो होती है जो सीट है उसको रिनेम कर देते हैं हम और यहाँ लिख देते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल की जो सीट है वो हम क्रिएट कर रहे हैं और हमको कहाँ जाना है हमको जाना है यहाँ पर पेज लेआउट में पेज लेआउट में गए ए फोर पर क्लिक करें ओरिएंटेशन आप रख दीजिए अभी नॉर्मली पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट रख देते अगर कोई चेंजेस होते हैं तो हम इसको लैंडस्केप कर देंगे अभी हम जो है एक लाइन छोड़ कर क्या लिख देते हैं जैसे मीटर नंबर होता न, है ना ठीक है एम टी आर एम टी आर नंबर इस प्रकार से हम लिख देते हैं व्यक्ति का नाम होता है जिस व्यक्ति के नाम पर कनेक्शन है तो वो हम लिख देते हैं लास्ट डेट हम लिख देते हैं और एक डेट हम लिख देते हैं कि पे कब किया गया है पे डेट ठीक है कितनी यूनिट है टोटल वो हेडिंग बना देते यूनिट के अकॉर्डिंग जो अमाउंट है वो क्या आया है ठीक है इसके अलावा हम, है हम लिखते हैं यहाँ पर टैक्स और उसके अलावा हम लिखते हैं यहाँ पर पेनाल्टी क्या लिख देते हैं पेनाल्टी और पेनाल्टी के बाद हम जो है यहाँ पर ग्रैंड टोटल जो बिल है उसका लग देते हैं तो मीटर नंबर में क्या आएगा मीटर नंबर आप कुछ भी रख सकते हैं समझने के लिए देखिए इस प्रकार से मैं लिख देता हूँ ठीक है ये देखिए इस प्रकार से अब यहाँ पे हम जो है क्या और लिखना चलिए यहाँ पे सोलह सौ एक सत्रह सौ एक ठीक है पंद्रह सौ इस प्रकार से हम जो है मीटर नंबर रिपीट नहीं करना है ठीक है हमारे समझने के लिए हालांकि परंतु हमको फिर भी रिपीट नहीं करना है ये देखिए हमने जो है लगभग लगभग यहाँ पे हमने जो है दस सीट दस व्यक्ति के नाम यहाँ पे लिख लिए हैं और नेम में हम लिख देते हैं जैसे नेम में हम जैसे नॉर्मली लिखते हैं ना अजय विजय मोहन सोहन राजेश मुकेश महेश सोनू इस प्रकार से हम जो है लिख देते ये नाम नाम हो गए अब लास्ट डेट क्या होगी जैसे हम एक नॉर्मली एक लास्ट डेट रख देते हैं जैसे अभी हम रख देते हैं बारह अक्टूबर बारह अक्टूबर दो हज़ार बाईस बारह अक्टूबर दो हज़ार बाईस हमने लिखे यहाँ पे, तो ये डेट का फॉर्मेट ये आ रहा है अभी तो बारह अक्टूबर दो हज़ार बाईस में डेट का फॉर्मेट ये आ रहा है तो यही डेट हमको सब में चाहिए तो हमको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल डी प्रेस करना है देखिए सब में आ गया है ठीक है अब इस प्रकार की डेट लाना है तो आपको इसको चेंज करना होगा ठीक है तो चेंज क्या कर देते हैं हम देखिए यहाँ होम टैब में आपको दिख रहा है ये डेटा टाइप वाला सेक्शन जिसमें नंबर लिखा है तो यहाँ आपको कस्टम में जाना है और शॉर्ट डेट को क्लिक करना है शॉर्ट डेट आपके आगे इस प्रकार अब पे डेट लिखना है यहाँ एम एम डी डी वाई वाई के फॉर्मेट में आ रहे हैं इनकी मंथ पहले लिखा रहेगा उसके बाद आपका डे लिखा रहेगा डे के बाद आपका ईयर लिखा रहेगा अब हम पे डेट में लिख देते हैं जैसे बारह तारीख़ है तो जिस दिन बिल आया उसी दिन पे कर दिया मान लीजिए किसी ने तो जैसे हमने एक अक्टूबर को पे कर दिए ठीक है किसी ने कर दिया तीन अक्टूबर को इस प्रकार से ओ लिख देंगे तो ऑटोमेटिक ये जो है क्या आ जा रहा है देखिए यहाँ पर बिल जो डेट है वो कम्प्लीट आ जा रही इस नोटिफिकेशन में जो डेट दिख रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ हम जो है नेक्स्ट क्या लिख देते हैं पाँच अक्टूबर लिख देते हैं किसी ने दस अक्टूबर को पे करा ठीक है किसी ने बारह को ही पे करा ठीक है और कोई कोई कुछ आलसी लोग रहते हैं कुछ काम में फंस जाते हैं तो वो तेरह को पे कर रहे हैं, कुछ तो बहुत ही अति हो जाती है कि अब पंद्रह को करेंगे ठीक है अब कुछ ग्यारह को कर देते हैं कुछ बारह को ही करते हैं इसके अलावा एक दो को और कर दो तेरह को और ये जो है हम कुछ नाइन कर देते हैं अब ये डेट आपकी कैसी आना चाहिए डेट आपकी इसके अकॉर्डिंग इसके जैसी आनी चाहिए तो आपको फिर से यहीं जाना है डेटा टाइप वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको शॉर्ट डेट लिख देना है तो आप देखिए इस प्रकार से आपको ये आ गया है अब यूनिट यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो यूनिट तो है एक नॉर्मली आपने देखा होगा कि एक प्लान चल रहा है कि हंड्रेड यूनिट के नीचे अगर रहा तो बिल आएगा नाइन्टी और यदि वो हंड्रेड यूनिट के ऊपर चला जाता है तो वो हो जाता है एक प्रकार से आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो वो हो जाएगा ज़्यादा मतलब एक प्रकार से बहुत ज़्यादा बिला जाता है तो हमको कुछ नहीं करना है हमको एक पैमाना रखना है कि जिस व्यक्ति की यूनिट मतलब घर के मीटर की यूनिट 200 या उससे अधिक हो जाती है तो वो हो जाता है कमर्शियल प्लान इस प्रकार से हम माप लेते हैं तो अमाउंट भी उसके अनुसार कैलकुलेट होगा ये सारी चीज़ें मतलब जिस व्यक्ति का कमर्शियल प्लान है तो उसकी प्रति यूनिट जो चार्ज है वो ज़्यादा रहेगा और पर्टिकुलर अगर बात करें किसी व्यक्ति की यूनिट 200 से नीचे है तो उसके यूनिट का चार्ज प्रति यूनिट का चार्ज जो है कम रहेगा तो इस प्रकार से हमको यहाँ मापना है चलिए हम जो है यहाँ पर एंटर कर लेते हैं किसी के एक दे देते किसी की एक दे देते किसी के पंचानवे ही दे देते हैं ठीक है किसी के ढाई दे देते हैं किसी की तीन और कई तो ये देखिए पाँच सौ वाले पाँच सौ यूनिट वाले हो जाते हैं ठीक है किसी के हम दे देते हैं एक सौ पैंसठ उसके अलावा एक सौ पैंतीस एक सौ चौंसठ ये हमारी यूनिट हो गई इसका मतलब है यहाँ आपको देखिए दो सौ वाला जो है कमर्शियल प्लान दो सौ पचास वाला तीन सौ वाला पाँच सौ वाला तो इसमें जब भी दो सौ या दो सौ से बड़ा आएगा तो वो ऑटोमेटिक अमाउंट में क्या हो जाना चाहिए वृद्धि हो जाना चाहिए उसकी और अगर वो कमर्शियल प्लान नहीं है होम प्लान है तो यहाँ दो से नीचे है तो दो से नीचे है इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए कम जो है प्रति यूनिट चार्ज जो है कम लगेगा ऐसे ही टैक्स में भी यहाँ वृद्धि होना चाहिए पेनाल्टी कब आएगी पेनाल्टी तो आपको पता है लास्ट डेट जो दिख रही है आपकी इस लास्ट डेट के पहले या इसी दिन तक अगर किसी ने बिल को पे कर दिया है ये वाला तो यहाँ पे पेनाल्टी उसकी जीरो रहेगी परंतु ये जो पे डेट है लास्ट डेट से बड़ी हो जाती है बड़ी हो जाती है इस मतलब जैसे देखिए बारह को पे करने लगेगी पर यहाँ देखिए तेरह को पे करें, करें हैं तो इसके सामने पेनाल्टी यहाँ जाना चाहिए कितनी पचास रुपये या जितनी भी आना है ठीक है इसके अलावा देखिए इसके सामने भी पेनाल्टी हो जाना चाहिए इसके सामने भी तो जो भी लेट पे कर रहा है उसके सामने पेनाल्टी यहाँ आ जाना चाहिए ऑटोमेटिक और जब यहाँ कंप्लीट हम तीनों को जोड़े थे यहाँ टोटल आ जाना चाहिए चलिए हम फटाफट यहाँ पर एक फंक्शन का उपयोग करते हैं तो हमारे सामने यहाँ कंडीशन है यदि इस सेल में 200 या 200 से बड़ा है तो कैलकुलेट हो किससे से दस रुपये प्रति यूनिट से और यदि 200 से कम हो तो कैलकुलेट हो पाँच रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से तो इस सेल का नाम क्या है वो ध्यान से देखिए आप ई थ्री तो हम पहले लगाएंगे इफ और लगाएंगे ई थ्री ई थ्री बड़ा है या बराबर किसके दो सौ के तो क्या होना चाहिए यहाँ हो जाना चाहिए जो ई थ्री वाला सेल है जिसमें टू हंड्रेड लिखा है तो ई थ्री इंटू होना चाहिए किससे 10 टेन से नहीं तो अब सिंपल सी बात है ई थ्री अगर बड़ा नहीं है और बराबर भी नहीं है किसके टू uh, हंड्रेड के तो वो सिंपल से बात छोटा होगा तो छोटा होगा तो क्या होगा वो होम प्लान और होम प्लान जब होगा तो कॉमा में देखिए ट्रू वैल्यू हमने दे दी ई थ्री इंटू टेन होना चाहिए और जो फॉल्स वैल्यू उसमें ई थ्री इंटू फाइव होना चाहिए क्या होना चाहिए ई थ्री इंटू फाइव तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यदि ई थ्री बड़ा है बराबर टू हंड्रेड के तो वो कमर्शियल प्लान इसका मतलब दस रुपये प्रति यूनिट चार्ज देगा और अगर नहीं है तो पाँच रुपये प्रति यूनिट चार्ज देगा एंटर करिए तो देखिए अभी दो हज़ार आ रहा मान लो हम इसको कम कर देते हैं जैसे एक सौ पैंसठ कर देते तो सीधे सीधे देखिए आप जो है पाँच रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से यहाँ कैलकुलेशन हो चुका है ठीक है ये आप देख सकते हैं जैसे हम दो सौ एक करते हैं दो सौ भी करते हैं तो देखिए दस रुपये प्रति यूनिट हो गया ऐसे टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स में हम क्या करते हैं अगर इसमें कमर्शियल प्लान है टू हंड्रेड या टू हंड्रेड से ज़्यादा तो यहाँ कमर्शियल प्लान में जो टैक्स है वो दस परसेंट आना चाहिए किसका इस अमाउंट का और यदि टू हंड्रेड या टू हंड्रेड के नीचे है मतलब टू हंड्रेड या टू हंड्रेड से बड़ा नहीं है मतलब छोटा है तो टैक्स होना चाहिए पाँच परसेंट किसका इस अमाउंट का इसका मतलब है कि हमको पैरामीटर इसमें मतलब इसके अनुसार कंडीशन को चेक करना है और जब कैलकुलेशन होगा तो इसके अनुसार करना है इसका मतलब है कि E3 में हमको कंडीशन को चेक करना है और F3 में हमको कैलकुलेशन करना है तो लगा दीजिए इफ इक्वल इफ़ ब्रैकेट में स्टार्ट तो E3 बड़ा है या बराबर किसके टू हंड्रेड के जब बड़ा है तो सिंपल सी बात कैलकुलेशन होना चाहिए किसके अनुसार एफ थ्री के अनुसार तो हम लिख देते हैं एफ थ्री इंटू टेन और परसेंट लगाने के लिए आपको सिंपल परसेंट लिखना होता है ठीक है ये देखिए ई थ्री बड़ा है बराबर टू हंड्रेड के तो जो एफ थ्री है एफ थ्री अमाउंट क्योंकि यूनिट का परसेंट क्यों देंगे हम, हम देंगे अमाउंट का परसेंट तो अमाउंट का जो परसेंट है वो टेन परसेंट हो जाए ठीक है और परसेंट के लिए परसेंट लगाए या तो आप डिवाइड करके क्या लगा सकते हैं हंड्रेड पर ये लंबा प्रोसेस होगा तो सिर्फ क्या लगाना है हंड्रेड इसका मतलब भी वही होता है कॉमा लगा के फॉल्स वैल्यू में देंगे अगर ई थ्री बड़ा नहीं है और बराबर भी नहीं है किसके टू हंड्रेड के तो वो दस रुपये प्रति मतलब दस परसेंट ना देकर कितना परसेंट देना चाहिए एफ थ्री का पाँच परसेंट इस प्रकार से और ब्रैकेट को कर दीजिए बंद और कर दीजिए एंटर देखिए इसका दस परसेंट आ गया मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ 150 तो 150 का 750 आया है पाँच रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से और इसका जो पाँच परसेंट टैक्स है वो आपको देखने को मिलता है क्योंकि दस परसेंट तो पचहत्तर रुपये आता पाँच परसेंट आया सड़तीस रुपये सड़तीस रुपये पचास पैसा ये आप देख सकते हैं अब फिर से एक बार और लगा के बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग में क्लियरटी हो जाए चलिए यहाँ लगाते हैं किस में ये जो लगाते हैं हम कौन सा ये वाला फोर वाले में फोर में मतलब ई को ई को चेक करना आप इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट करें ई फोर बड़ा है बराबर किसके बड़ा है या बराबर है किसके टू हंड्रेड के तो ई फोर में ही जो यूनिट है उसमें दस रुपए का गुणा हो जाए तो ई फोर गुणा दस नहीं तो ई फोर ई फोर इंटू फाइव ये देखिए हमने लिखे और एंटर करें तो अभी देखिए पाँच रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से हुआ मान लो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ढाई सौ तो अब देखिए दस रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से हुआ ऐसे ही आपको टैक्स निकालना है तो फिर से अब लगाइए ब्रैकेट स्टार्ट फिर से ई फोर तो ई फोर बड़ा है या बराबर है किसके टू हंड्रेड के ठीक है और यहाँ हम कर देते हैं कॉमा अगर बड़ा है तो सिंपल सी बात इस जो अमाउंट है एफ़ फोर में जो दिख रहा है इसका दस परसेंट हो जाए तो एफ़ फोर इंटू टेन परसेंट नहीं तो एफ़ फोर इंटू फाइव परसेंट इस प्रकार से हम जो है यहाँ पर लिख देते हैं और ये एंटर करते हैं अब ये सभी में नहीं अप्लाई हो जाएगा तो सभी में अप्लाई होगा उसके लिए खींच दो या कंट्रोल डी प्रेस कर दो हाँ सेलेक्ट करके इसको भी सिंपल हम जो है नीचे खींच देते हैं इसके अलावा पेनाल्टी की बात करते हैं पेनल्टी कब निकलेगी जब जो पे डेट है वो बड़ी है किससे लास्ट डेट से तो अगर पे डेट बड़ी है किससे लास्ट डेट से तो पे डेट का कॉलम क्या है डी और डी में है थ्री और सी थ्री है तो डी थ्री सी थ्री मतलब डी थ्री बड़ा है सी थ्री से सिंपल सी बात है पेनाल्टी आ जाएगी पचास रुपए ठीक है या फिर C3 थ्री किससे मतलब जो है किसके बराबर है या फिर जो है आ, बड़ा है मतलब इसके बराबर है या बड़ा है तब भी आप कंडीशन लगा सकते तो हम सिंपल लगाते हैं जो D3 है वो बड़ा होना चाहिए आ, किससे बड़ा होना चाहिए C3 से तो ऑटोमेटिक पेनाल्टी आपके जाएगी तो आप फिर से लगाइए इफ़ C3 थ्री बड़ा है किससे आ, अच्छा C3 नहीं नहीं D3 लगाना है डी थ्री मतलब लास्ट डेट जो पे डेट है उसको चेक कर रहे हैं हम डी बड़ा है C3 से ठीक है तो सिंपल सी बात यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए प्रिंट पचास रुपए और नहीं है बड़ा बराबर है तो सिंपल सी बात है जीरो आना चाहिए कि हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं तो अभी देखिए यहाँ हमारा जो डेट है वो एक तारीख को ही पे कर दिया मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ चौदह अक्टूबर इस प्रकार से तो चौदह अक्टूबर को पे किया इसका मतलब है कि इससे बड़ी होगी ना डेट देखिए बारह है लास्ट डेट और हम कर रहे हैं चौदह को तो पचास रुपये पेनाल्टी आ गई ठीक है क्या कर, करना क्या है कुछ नहीं करना है इतने बड़े बड़े इफ़ में हमने काम कर लिए थी तो छोटी सी बात है ठीक है यहाँ पर देखिए आपको इफ डी थ्री जो डी थ्री है पे डेट वो बड़ी है किससे लास्ट डेट से सिंपल सी बात वो बड़ी है मतलब बारह के बाद तेरह चौदह पंद्रह कुछ भी हो सकती है तो जब बड़ी है तो पचास रुपये पेनाल्टी होगी जब बड़ी नहीं है छोटी है बराबर है तो जीरो पेनल्टी होगी ठीक है इसी को हम कर देते हैं नीचे तक क्या यहाँ तक कंट्रोल डी ठीक है ये देखिए अब किस किस ने पेनल्टी दिया है आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे देखिए फिफ्टी यहाँ पे देखिए ये जो है तेरह तारीख को पे करा फिर नेक्स्ट फिफ्टीन उसके अलावा एक ने और थर्टीन को तो जिसने पेनल्टी दिया इसका मतलब उनने लास्ट डेट के बाद पे किया है अब यहाँ आपको जोड़ना क्या क्या है एक दो तीन तीनों का टोटल यहाँ जाएगा तो आपको लिखना है सम और बैकेट स्टार्ट करके इन तीनों की रेंज को आपको कंप्लीट सेलेक्ट कर लेना और एंटर करना तो आप देखिए यहाँ पे ये आ जा रहा है आपका टोटल ऐसे इसको पकड़कर हम नीचे खींचेंगे या कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो आपकी कंप्लीट जो है यहाँ पे अमाउंट आ चुकी है जो पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा बिल पे किया जाना है जैसे यहाँ राजीव के द्वारा बिल पे किया जाना है पेनल्टी के साथ में सात यानी सात या साठ रुपये लगभग पर हम यहाँ पे इसकी लास्ट डेट को पहले कर देते हैं मान लो इसने 12 तारीख को पे किया तो देखिए बारह तारीख को पे किया था पचास रुपये गायब हो गया अब सात सौ आठ रुपये उसको फ़ीस लगेगी जो बिल की फ़ीस है इसके अलावा हम ऊपर हेडिंग डाल देते हैं हेडिंग डालना गए हम ठीक है आपको क्या बनाना है इलेक्ट्रिसिटी बिल की जो सीट है वो बनाना है ठीक है तो बना चुके हैं उसके बाद हम हेडिंग डाल रहा है बोल्ड कर दीजिए ठीक है इस प्रकार से हम क्या कर देते हैं बोल्ड और इसके बैकग्राउंड कलर को हम जो है क्या कर देते हैं डार्क डार्क कर देते और डार्क कर दीजिए और डार्क कर दिए कलर जो है वाइट कर देते हैं इसकी हेडिंग का कलर हम जो है थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं और बोल्ड करने के बाद इसको सेंटर कर देते हैं ठीक है और इसके बैकग्राउंड का कलर येलो कर देते हैं सबको सेलेक्ट करिए यहाँ पे सबको सेलेक्ट करने के बाद इसको हम बॉर्डर कर देते हैं सेंटर इधर भी हम सेंटर ठीक है ये देखिए अब आप जब प्रिंट रिव्यू देखेंगे तो प्रिंट रिव्यू में आपको आपकी मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं इज्जतदार सीट हमको देखने को मिल रही है तो यहाँ आप जो है क्या बनाना सीखे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो सीट है वो बनाना सीखे साथ ही उसमें कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी हमने यहाँ देखे और बाकी की डिटेल आपको अगर डालना तो नीचे आप डाल कर, कर सकते हैं हमारा मुख्य उद्देश्य था फंक्शन में काम कैसे करना आई होप आपको ये समझ में आया होगा फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं